एक चीज देखी मैंने, इस भूसा को टैनर नहीं पकड़ सकती। लो जी भाई, घुस चुके गुफा के अंदर, नीचे भूसा, ऊपर अपना प्लेन। भाई मिली मिली जब करो, भाई मिली जब करो, टैनर को भाई, मजा आ गया भाई, सच में कह रहा हूँ भाई। हाँ, उषा की पावर का फैन हो गया दोबारा भाई। भाई ने ना टैनर ये ट्रैक पे चलती है भाई, इन्होंने ट्यून कराई हुई है, ये लगा लो कि बहुत पावर है इसमें, फिर भी भाई उषा का ना मुकाबला नहीं कर पा रही, ये लगा लो। 3 2 अब गाइस आराम से चलाऊंगा, बहुत लगा ली बाइक। लो जी भाई, तुम्हारे भाई पहुंच चुके हैं यहाँ पे भाई, यहाँ पे ऑलरेडी बाइक आ रखी है। देखो भाई, BMW का ग्रुप है एक, और भाई यहाँ पे लगा देते हैं अपनी बाइक को। लो जी भाई, फाइनली पहुंच चुके हैं भाई, मजा आ गया आज तो, मजा आ गया आज तो यार, दिल खुश कर दिया। मैंने भाई 300-300 लगाई नहीं, मैं भी 250-250 ही चल रहा, सिर्फ टॉर्क चेक कर रहे थे, थोड़ी सी आगे जाए पीछे जाए, बस यही चेक हो रहा था। मेरा हैंडल बड़ा शेक हो रहा है। नहीं नहीं वाह यार, आवाज बड़ी सेक्सी आ रही है, कुछ करा ट्यून कराई है के? नहीं नॉर्मल है। ट्यून नहीं कराई? ट्यून कराई होती तो भाग जाती हम तक। यार मैं तो, ये तो बहुत आगे निकल रही है, मुझे लगा ट्यून है बाइक। नहीं नहीं ट्यून, ट्यून नहीं है। स्प्रॉकेट हमने ना बड़ा लगाया हुआ है, स्प्रॉकेट हमने नई वाली टैनर का लगाया हुआ, प्लस 2 होता है ना वो। अच्छा अच्छा अच्छा, यार इतना फर्क तो नहीं लग रहा वैसे, वो पुरानी वाली टैनर का नहीं है ये? नहीं ये स्प्रॉकेट नई टैनर का है। अच्छा अच्छा, 39 होता है ये, 41 है, फिर उससे वही है ना कि थोड़ा सा ना रेस में फर्क आ जाता है। पकड़ी नहीं भाई, ये भी खुल गई है पूरी, तो टैनर को पहले निकल जाती थी। BHP वही, मैं वही देख रहा हूँ, जब आप 2-3 बार निकले मैं कहा भाई आपने ट्यून कराई हुई है बाइक, पावर तो यार पकड़ रही है यार ये भी। इसमें प्रॉब्लम पता है क्या, ये कंट्रोल नहीं हो रही, जो बनी एडिशन का यही चोद है, मैं तो इसका हैंडल बड़ी तेज तेज हिलने लग जाता है यार। समझ गया, जैसे बम्प में जल्दी बन जाता है, मैंने ये तैयार हुई है ट्रैक के लिए, नहीं नहीं यार वो रिस्क ना ही लो तो ज्यादा बढ़िया यार, रिस्क ना लो। गाइस फाइनली निकल चुके हैं 4th मीटिंग पॉइंट से, और गाइस आज की संडे राइड ना बहुत ही मजेदार थी। हम यहाँ से अब चढ़ने वाले हैं फिर दोबारा KNP की, और गाइस हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं पंचगांव, और गाइस आपको व्हीली दिखाते हैं, एक बढ़िया सी ओके रिपोर्ट से व्हीली दिखाते हैं। कैसी लगी फिर व्हीली भाई? खींच के टनर भाई, निकल गए टनर, निकल गए आगे, बम्प आ गया, बम्प आ गया, बम्प आ गया, बम्प आ गया। एक बार दोबारा करते हैं, मजा आ गया, मजा आ गया भाई। हम ना थोड़ी टॉर्क चेक कर रहे हैं बाइक्स की, एक बारी दोबारा करते हैं भाई, टैनर वर्सेस वर्दी टैनर मिल जाओ। लो जी भाई, टैनर आगे निकल गई, भाई मजा आ गया। अब एक बारी फिर करते हैं टैनर वर्सेस हाया भूसा। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। भाई कह रहा था कि
पॉकेट में बड़ा लगा रखा है, इससे ना बाइक भागती नहीं है, पर पिकअप में बहुत फास्ट हो जाती है। पर यार पिकअप के अंदर भी ना अपनी बाइक के अंदर कोई वो नहीं है, फिर भी पिकअप बहुत बढ़िया ले रही है भाई। अरे भाई व्हीली चेक करो, अरे भाई नेक्स्ट लेवल, हाइट पूरी पकड़ी हुई थी भाई ने। एक बार फिर बोलते हैं, एक बार फिर मारना भाई इधर से निकल के। भाई व्हीली व्हीली चेक करो, भाई व्हीली चेक करो, टायर के ऊपर। क्या हाइट ली थी भाई ने, मजा आ गया यार। गाइस यहाँ से अभी मानेसर 18 किलोमीटर है, मानेसर से हमने निकलना है पंचगांव की तरफ। तो जी गाइस पहुंच चुके हैं अपने लास्ट मीटिंग पॉइंट पे। भाई ये देखो भाई बाइक्स का काफिला। गाइस निकल चुके हैं फिफ्थ मीटिंग पॉइंट से, और गाइस ये आ चुका है टोल प्लाजा। और गाइस कैसे लगी संडे राइड जो हमने 2 दिन पहले व्लॉग डाला था, तो भाई उसी का ये पार्ट कंटिन्यू आया है। तो भाई कैसा लगा भाई एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अब जा रहे भाई ब्रेकफास्ट के लिए, बहुत भूख लग रही है। लो जी भाई घुस चुके हैं गुफा के अंदर सारी सुपर बाइक। अरे भाई बाप रे पीछे भाई बाइक से देख रहे भाई, मैं ना काफी टाइम से मिस कर रहा था संडे राइड भाई, आज रियली मार रहा भाई। ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचे हैं हम पंचगांव, और गाइस यहां पे ना एक बारी सुई देख लो कहां पे आ गई है, फुल करा के निकला था आपके सामने, हाफ से भी नीचे आ गई है भाई टैंक। यहां पे भी ना एक ना अलग ही वाइब होती है पंचगांव में भाई, काफी टाइम बाद आ रहा हूं पंचगांव भी, कम से कम नहीं तो भाई 2 महीने बाद। लास्ट टाइम मैं जयपुर गया था अपने फ्रेंड्स के साथ, तब रुके थे यहां पे, आपने स्टोरी देखी होगी इंस्टाग्राम पे, वो तब की बात है भाई। ये चेक करो भाई यहाँ पे तो अलग ही वाइब बनी हुई है भाई क्राउड की, भाई इधर तो लगी भाई बनी हुई है भाई। चेक करो क्राउड यार, क्या क्राउड है यार, देख रहे हो भाई, भाई सारे यहीं आ गए हैं क्या आज भाई, अलग ही क्राउड है भाई यहाँ पे तो। ये देखो भाई वो डर रहे हैं भाई, देखो भाई देख रही है भाई बाइक्स ही बाइक्स भाई, आज कुछ ज्यादा ही क्राउड है भाई। अपनी बाइक्स लगाते हैं यहाँ पे बैक करके, भाई देख रहे हो लोग भाई एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं बाइक को देखे, क्योंकि भाई ये वन इन इंडिया है। कर लो भाई, भाई हल्की करना ज्यादा मत करना, बाइक ना बहुत गर्म हुई पड़ी है। पावर देखिए कितनी बढ़ गई इसकी, फाड़ के रख देगी, फाड़ देगी फिर चलेगी करना। सही बात है, शर्त लगा के निकलो फिर। सही बात है भाई, आज बहुत ज्यादा क्राउड है। ये देखो भाई हमने अपनी हायाबुसा लगा दी है वहाँ पे सीबीआर के साथ में, सीबीआर और देखो हायाबुसा का भी ना कलर थोड़ा डिफरेंट है। और भाई रॉयल इनफील्ड का ना कोई इवेंट है पंचगांव में, उस चक्कर में बहुत सारी रॉयल इनफील्ड आई हुई है। मैं भी कहूँ भाई इतना तो मैंने देखा ही नहीं कभी, क्योंकि ये भी रो भरी हुई है और आगे वाली भी रो, और वहाँ पे प्रॉपर टेंट लगा हुआ है। एक चीज देखिए मैंने, इस भूसा को टैनर नहीं पकड़ सकती, टैनर के लिए बड़ा मुश्किल है। मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है भाई, टैनर ना आप जो न्यू शेप वाली आ रही है ना उसको ट्यून कराओगे फाड़ के रख देगी हायाबुसा को। हां वो तो ट्यून कराने पे है, अंदर भी फुल पड़ा हुआ है देख रहे हो भाई, मुझे लगा कि सारी जनता बाहर है भाई, अंदर भी फुल पड़ा हुआ है भाई। बहुत भूख लग रही है, फटाफट भाई हेलमेट उतारते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद चलते हैं। लो जी गाइस हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, जो कि हमने सैंडविच मंगवाए हैं और साथ में पाव भाजी। लो जी गाइस निकला जा रहा है पंचगांव से, भाई क्राउड चेक करो एक बारी गाइस। एक्चुअली यहां पे एक रॉयल इनफील्ड का इवेंट है वो हुआ है, तो भाई उस चक्कर में क्राउड देखो यार कितना ज़्यादा है भाई। ये देखो भाई सुबह सुबह सारे लोग आ रखे हैं, जिसमें कि भाई गर्ल्स भी हैं यहाँ पे भाई। बाइक्स का काफिला चेक करो भाई, बाइक्स देखो कितनी है, और ये अपने ग्रुप की बाइक्स खड़ी हुई हैं, ये चेक करो काफिला, ये खड़ी अपनी हायाबुसा R1। ओए होए 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 भाई R1। सारे इवेंट वाले इधर ही आ गए, उनको लग रहा था हम कर रहे हैं इवेंट, उनको लग रहा हम कर रहे हैं इवेंट। चलो गाइस निकला जा रहा है यहाँ से भाई, ये खड़ी अपनी भूसा भाई। चलो भाई चलो चलो लास्ट मूव, मार नहीं रहा बर्नआउट मार रहा यार। नेक्स्ट लेवल भाई, क्या बर्नआउट मारे भाई ने।
चलो गाइस यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। भाई दिखा रहा है हमें बर्नआउट। भाई बाइक बड़ी सुंदर लग रही है। चलो 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 चलो, घूम रहा है। बड़ी सारे का सारा लाइनअप लगने देते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से हम। भाई नेक्स्ट लेवल मजा आ गया। भाई अपनी बाइक से लाउड कोई भी नहीं, अपनी बाइक भाई मजा आ गया, नेक्स्ट लेवल। इस पंच गांव से निकल चुके हैं भाई, क्राउड चेक करो यार। भाई मजा आ गया आज तो यार, सच में कह रहा हूँ यार। वहाँ पे ना एक ना फॉरेन की गाड़ी भी आ रखी थी, चैलेंजर। भाई कनाडा में इस गाड़ी का बहुत नाम है भाई, देख लो कि अपने दिल्ली की रही सी। भाई दिल्ली में इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं, मतलब ये लगा लो भाई एक बंदा चैलेंजर लेके आया, मेरे ख्याल से वो दुबई की नंबर प्लेट थी, दुबई से इम्पोर्ट कराई है गाड़ी। भाई देख रहे हो लोगों की शौकीन देख लो भाई कितने हैं, ये इंडिया में गाड़ी नहीं आती चैलेंजर। मेरा भाई ना कनाडा में रहता, उसने ली थी हेलकैट, तो भाई उसने भी बड़ी तैयार कराई हुई थी। भाई ये कनाडा की जैसे यहाँ की आप फॉर्च्यूनर मान लो, जो मतलब अच्छी गाड़ियों में आती कि भाई फॉर्च्यूनर है तो दबदबा है, ऐसे भाई कनाडा के अंदर चैलेंजर आना जिसके पास, तो भाई वो दबदबा है के हिसाब से। चैलेंजर बहुत बढ़िया गाड़ी है पिकअप वगैरह में, उसके भाई बर्नआउट मार रहा था भाई, बहुत ही सेक्सी यार, नेक्स्ट लेवल। रंधावा साहब ने वीडियो भी बनाई है भाई, वो आपको मैं यहाँ पे क्लिप लगा दूंगा भाई, नेक्स्ट लेवल। तो यार आज की वीडियो छोड़ के मत जाना, आज की वीडियो लास्ट तक देखना, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया स्टंट दिखाने वाले हैं, जो कि भाई बर्नआउट और भी भाई, ये नहीं है कि मैंने अकेले ने बर्नआउट करे थे, हमारे टीम के थे उन्होंने भी करे थे, और भी राइडर्स आए हुए थे वहाँ पे बर्नआउट वगैरह करके दिखाए। और भाई सबसे बड़ी बात, भाई बर्नआउट तो हर कोई कर लेता, अगली ब्रेक मार के चलो बर्नआउट करने के लिए बंदा कर लेता, रोलिंग बर्नआउट और सर्कल बर्नआउट। तो भाई वो तुम्हारे भाई ने करके दिखाए थे वहाँ पे, नॉर्मल बर्नआउट के अलावा ना ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तुम्हारा भाई आपको पता प्रॉपर स्टंट राइडिंग करता है, उसके लिए KTM बना रखी है। लो जी भाई विली भी दिखा दें, लो जी भाई विली चेक करो, लो जी भाई इधर भाई थंब दिखाया जा रहा है, विली चेक करो, विली चेक करो भाई की, ले जा भाई विली चेक करने वाली थी भाई की टैनर पे। पंचगांव के अंदर आपको मजा आया स्टंट्स वगैरह देख के, और बाइक्स की थ्रॉटल देख के, भाई बाइक पे थ्रॉटल चल रहे थे पूरे। गाइस देख लो जरा, पूरे का पूरा टैंक गया, थोड़ा सा पेट्रोल रह गया, तो मैंने कहा चलो फ्यूलिंग करवा लेते हैं यहाँ पे। कर दो फुल, कर दो प्रभु 95। हाँ राइड पे निकले थे भाई, देख लेते हैं कितना तेल जलाया, अभी वहाँ से फुल कराई थी, अब वापसी जाते हुए फिर फुल करवा रहे हैं इसको। भाई पेट्रोल बहुत खाने लग गई है यार, क्या करूँ इसका हल। XP95 डाल रहे हो ना गाइस, बाइक हो चुकी है फुल, और भाई देख लो 200 किलोमीटर चल गई, 221 किलोमीटर बाइक, देख लो हम 9:30 बजे तक निकल जाते हैं आज वहाँ पे ना, थोड़ा चिल आउट करते हुए टाइम लग गया। बाकी यार आज वेदर बहुत बढ़िया है, आवाज़ बहुत प्यारी लगती है यार इस, बट टैनर के अंदर ना एक कमी है कि भाई ये ना बाइक की थोड़ी ब्रेक्स बढ़िया नहीं है, चाहे वो न्यू वाली टैनर हो चाहे पुरानी वाली, ब्रेक्स में थोड़ा सा इशू है, अदरवाइज यार बाइक बहुत बढ़िया है यार। इतने कम पैसों के अंदर ना इतनी बढ़िया चीज़ दे रहे हैं ना ये, कावासाकी वाले तो मानना पड़े। भाई KTM मानोगे नहीं यार, 180-190 तो आराम से जा रही है। वो साथ में कोई था पाची पूछी वाला, वो बता रहा था, कहता भाजी यार तुम तो निकल ही बहुत तेज जाते थे आगे, तो भाई ट्यून्ड करवाई है KTM इसलिए। और भाई ये बेवकूफ देखो कहाँ खड़ा हुआ, भाई पुलिस वाला देखो बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ ट्रक रोकने के लिए। भाई भाई बाइक स्पीड में आ रही होगी ना तो क्रैश हो सकता है। भाई देख लो आपके लिए स्पेशल भाई को बोला मैंने विली मारने के लिए, लो जी भाई विली चेक करो, भाई हाइट बहुत बढ़िया ले रहा भाई। भाई आज से 4 साल पहले तुम्हारे भाई ने हायाबुसा पे हाफ होल्ड व्हीली करी थी, ये लगा लो। और थर्ड जन पे ना आज भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी ने हाफ होल्ड व्हीली नहीं करी, मैंने तो अभी तक नहीं देखी। भाई आपने देखी तो भाई नीचे एक बार कमेंट करके बताना। गाइस किसी के पास E220D है तो भाई मुझे कॉन्टेक्ट करो, यहाँ किसी के पास C200 हो, पेट्रोल चाहिए C200 अपने खास भाई को चाहिए, C200 कोई हो 2015-16 मॉडल, तो भाई एक बार ही ना अपने भाई को मेल के अंदर बताना जरूर। अपना नीचे भूसा ऊपर अपना प्लेन, नेक्स्ट लेवल यार, फर्स्ट टाइम ऐसा मुझे फ्रेम मिला है, चेक करो भाई, भाई ऊपर से देख रहे होंगे वो नीचे। भाई मुझे एक बार कमेंट करो इंटरनेशनल ट्रिप कहाँ करा जाए, क्योंकि गाइस मुझे USA की ना अमेरिका की नेक्स्ट ईयर की डेट मिली है ये लगाओ, क्योंकि 2025 में जाएगा तुम्हारा भाई अमेरिका। बाकी अभी की बात करता हूँ कि अभी भाई कहाँ इंटरनेशनल ट्रिप करें, तो इस टाइम वेदर भी बढ़िया रहेगा, लंदन भी आपको घुमा दिया पूरा, व्लॉग्स भी डाले थे, कनाडा जाएं पहले या फिर पहले जाएं दुबई, तो भाई कमेंट करो। दुबई बोलोगे तो भाई वो तो फिर जल्दी चले जाएंगे, 10-15 दिन महीने के अंदर जा सकते हैं। एक बार कमेंट करो भाई, इसी मंथ आपको सरप्राइज दे दिया जाएगा। लो जी भाई लास्ट मीटिंग पॉइंट, इसके बाद हमने जाना है घर। लास्ट मीटिंग पॉइंट से सारे इकट्ठे हो गए, क्योंकि गाइस हमारे ना दो रूट रहते हैं, एक तो
तो रहता है सिमेट्री वाला रोड और एक रहता है जेल रोड वाला। तो गाइस वहां से हमने कहा कि भाई जेल रोड के यहाँ ना मुझे इजी रहेगा, तो कहते भाई हम वहीं से चल लेते हैं, क्योंकि यार भाई देखो वहां से ना पूरा घूम के इस टाइम जाना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गाइस ट्रैफिक हो गया है। चलो गाइस ये भाई निकल रहा है रमेश नगर, हम निकल रहे हैं यहाँ से सीधा जनकपुरी वाली साइड। चलो गाइस इस वीडियो को ना हम यही एंड कर देते, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, लव यू।